जालोर में दलित छात्र की मौत की वजह जातिवाद थी या नहीं, मामले की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन करणी सेना ने अपनी ओर से आरोपी टीचर छैल सिंह को क्लीन चिट दे दी है। करणी सेना के हजारों कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने आज जालोर पहुंचकर 36 कौम को एक जाजम पर लाकर छैल सिंह को बेगुनाह साबित करने की पुरजोर हिमायत की। करणी सेना के नेताओं ने अपने समाज के टीचर छैल सिंह पर लगाए गए आरोपों की खुलकर मुखालफत की, साथ ही इस केस की सीबीआई से जांच और मृतक छात्र इंद्र मेघवाल के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग भी कर डाली। हमारे दो समाजों के बीच जिस तरीके से भाईचारा चल रहा था, किसी षड्यंत्र किसी ताकतों ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचा है वो लोग उजागर हो और भविष्य में आईना ऐसा कोई कोशिश न करे जिस मीडिया रूप से जिस तरीके से राजनेताओं ने ये षड्यंत्र रचा था उनको उजागर होना, क्योंकि 36 कोम के अंदर आक्रोश है। जो हमारा जालोर एक सबसे बड़ी जिला है उनको तोड़ने की उसकी साजिश रची थी उनके हम खिलाफ 36 कोम साथ में, आज कोई एक जात का नहीं है, 36 कोम है, सबके अंदर आक्रोश एक ही है। जिस तरीके से माहौल खराब किया है वो हमारे पूरे जालोर जिले का नाम बचा दिया है। आपने देखा होगा काफी नेताओं ने यहाँ ताता लगा दिया था, तो वो बिना जांच के एसपी के एसपी साहब के स्टेटमेंट के बाद पर ताता लगा है, तो वो एक सोचने वाला विषय है। तो इसके खिलाफ हमने आज हमारी एक ही मांग है कि हर नार्को टेस्ट दोनों परिवार का हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, निर्पक्ष, हम किसी को बरसाना नहीं चाहते। करणी सेना के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि सियासत से जुड़े लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जालोर की घटना को जातिवाद से जोड़ रहे हैं। मटका थ्योरी मनगढ़ंत बनाई गई है, जबकि स्कूल में तो मटका था ही नहीं, फिर दलित छात्र के साथ भेदभाव, मटके से पानी वाली बात कहां से सामने आ गई। जालोर मामले को लेकर पिछले दिनों काफी सियासत हुई। देश भर के अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने पहुंचकर इस मामले पर अपनी सियासत को चमकाने की पूरी कोशिश की। कई दलित संगठनों ने भी जालोर की घटना पर अपना विरोध जाहिर किया, लेकिन बीजेपी वाले जालोर की घटना पर खुलकर बोलने से बचते दिखे। कानून व्यवस्था को लेकर तो सरकार को घेरा, लेकिन मटके वाली बात पर चुप्पी साध बैठे। और अब जब क्षत्रियों के संगठन करणी सेना ने खुलकर इस मामले में आरोपी टीचर छैल सिंह के लिए आंदोलन किया है, तो ये बात तो साफ हो गई है कि राजस्थान का समाज हो या फिर सियासत, जातिवाद से कोई अछूता नहीं, नहीं तो आज इस तरह से एक आरोपी के समर्थन में हजारों की भीड़ न जुटती। राजस्थान तक के लिए जालोर से नरेश बिश्नोई की रिपोर्ट।